हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नफे सिंह मामले में जांच को लेकर बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर हमला बोला। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच लगातार जारी है। मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने नफे सिंह के मामले में बयान दिया, कहा कि वैसे तो इस मामले में हरियाणा पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन बावजूद इसके हमने सेशन में आश्वासन दिया था कि इसकी जांच सीबीआई से होगी, तो अब इस मामले में सीबीआई को जांच रेफर की है। देखिए, वैसे तो नफे सिंह राठी के मामले में हमारी पुलिस ने भी बड़ी त्वरित कार्रवाई की और दो जो शूटर्स हैं उनको पकड़ भी लिया है और बाकियों को भी हमारी पुलिस सारी लगी हुई है। लेकिन क्योंकि हमने सेशन में आश्वासन दिया था कि हम सीबीआई से जांच कराएंगे, इसलिए हमने इसका केस सीबीआई को रेफर कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया था कि रोजगार के बंद द्वार इंडिया गठबंधन खोलेगा, जिस पर भी विज ने राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि राहुल गांधी की दादी मर गई गरीबी हटाते हटाते, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। विज ने कहा कि लोग जिसको पीस लेते हैं उसको दोबारा नहीं पीसते, ऐसे ही लोगों ने इस कांग्रेस पार्टी को आजमा लिया है और इसे अब दोबारा नहीं आजमाने वाले। तेरी दादी मर गई कहते कहते कि मैं गरीबी हटाऊंगी, हटा दे गरीबी, आप बताओ हटा दी गरीबी, अब आके गरीबी घटनी शुरू हुई है नरेंद्र मोदी के राज में। कहने से क्या होता है, लोग जिसको पीस लिया ना उसको दोबारा नहीं पीसते। ये जो लिखा होता है ना आटा पीसने की चक्की, ये गलत लिखा होता है, आटे को कोई नहीं पीसता, कनक को पीसते हैं, लेकिन कनक को पीसते हैं जिसको पीस लिया, अजमा लिया इस पार्टी को, दोबारा क्यों कोई अजमाएगा। अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर निशाना साधा है। दरअसल केजरीवाल ने कहा कि जिन परिस्थितियों में दिल्ली की सरकार चला रहा हूं, ऐसे में मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इस पर विज ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार का कोई नोबेल पुरस्कार बन गया है तो केजरीवाल को जरूर मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर कोई भ्रष्टाचार का नोबेल प्राइज बन गया है तो जरूर मिलना चाहिए। इसके दो दो तीन तीन लोग जेल के अंदर आए भ्रष्टाचार के केस में, जिसको आठ आठ नोटिस खुद को आ चुके हैं और फिर भी वो बेशर्मी से बल्कि चल रहे हैं, तो उनको भ्रष्टाचार का तो नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए। आपको बता दें कि हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज अक्सर विपक्षी नेताओं के बयान पर पलटवार करते नजर आते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने राहुल गांधी, डीएम के सांसद ए राजा और केजरीवाल पर हमला बोला है। वहीं नफे सिंह राठी के मामले की जांच सीबीआई को रेफर करने की जानकारी दी। अम्बाला से टोटल न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।